बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम जाकिर हुसैन है और मैं एग्रीकल्चर ऑफिसर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर दिल्ली बलोचिस्तान में अपने सर्विसेज दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, 7th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर इनोवेशन एंड अडॉप्टेशन, ये 15 to 17 June 2022 ये कॉन्फ्रेंस यहाँ पर मुनद हुई, जिसमें ऑल ओवर दी वर्ल्ड और पाकिस्तान के मुख्तलिफ जामात से, इस सारे इदारों से बहुत सारे साइंटिस्ट ने यहाँ पे शिरकत किया और उसमें अपने तहकीकी मकाले पेश किए। इस कॉन्फ्रेंस का मेन जो ऑब्जेक्टिव था कि वो क्लाइमेट चेंज और उसके इम्पेक्ट जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पे पड़ रहे हैं उसके ऊपर साइंटिस्ट ने अपने फाइंडिंग्स यहाँ पे शेयर किए। इसकी सबसे बेस्ट जो चीज़ यहाँ पे इस पे सामने आई, उसमें बेहतरीन सॉइल का इस्तेमाल कैसे करें, हम अपने वाटर को जो पोल्यूटेड हो चुका है उसको कैसे हम बेहतर तरीके से एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए यूज़ में ला सकते हैं, इसके अलावा हम ज़रिए जो इनपुट्स हैं उसका कैसे हम प्रॉपर यूज़ करें, हम फार्मर को कैसे एजुकेट करें, और हम जो क्लाइमेट चेंज का शिफ्ट पाकिस्तान में आया हुआ है और पर्टिकुलरली कश्मीर और दिल्ली बलोचिस्तान इसकी ज़्यादा में ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसके ऊपर स्पेशल टॉपिक्स यहाँ पर पेश किए गए। इसी सिलसिले में मैं अपने जो फाइंडिंग्स थी दिल्ली बलोचिस्तान में हम क्लाइमेट स्मार्ट पेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से जो सर्विसेज हम दे रहे हैं वो मैंने अपना तहकीकी मकाला भी यहाँ पे पेश किया हुआ, और इंशाल्लाह इस कॉन्फ्रेंस के बाद हम मजीद अपने जो फाइंडिंग्स हैं उसको गिलगित बलोचिस्तान में रिप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे। और फार्मर जो है वो बेसिकली हमारा बेसिक जिसके लिए हम सारा काम करें वो फार्मर होता है, और फार्मर की अवेयरनेस और फार्मर की एजुकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दुनिया इस वक्त वन हेल्थ कंसेप्ट की तरफ जा रही है जिसमें तीन मेजर कंपोनेंट्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स, एनवायरमेंटल हेल्थ और एनिमल हेल्थ। ये तीनों हेल्थ जब हेल्दी होंगे तो वन हेल्थ यूनिट का कंसेप्ट कंप्लीट होता है। अगर इनमें से ऐसा करें कि अगर हम जो एनवायरमेंट को डिस्ट्रक्ट करें, एनवायरमेंट को तबाह करके करें, तो कभी भी ह्यूमन हेल्थ या एनिमल हेल्थ उसकी सर्वाइवल मुश्किल होती है। तो हमने इस वन हेल्थ कंसेप्ट को प्रमोट करने के लिए और इस कॉन्फ्रेंस की जो फाइंडिंग्स हैं उसको लेके हमने डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ अपनी मीटिंग्स करके उनको एंगेज करते हुए और उस स्टूडेंट्स प्लस फार्मर्स को हमने अपने इस सिस्टम का हिस्सा बना के क्लाइमेट स्मार्ट जो प्रैक्टिसेस है उसको फील्ड लेवल तक ले आना है, ताकि हम जो बढ़ते हुए क्लाइमेट चेंज के इश्यूज जो हम फेस कर रहे हैं, खासकर हमारा फार्मर फेस कर रहा है जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पर पड़ रहा है। मिसाल है इसमें हमारे वहाँ फ्लड्स का आना, हजनाबाद पे जो ग्लेशियर का फटना और पुल का बह जाना, इसके अलावा बहुत सारी जगहों में ज़मीन का कटाव शामिल हाल है। हमारे ग्लेशियर्स बढ़ते हुए ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बड़ी तेज़ी से मेल्ट हो रहे हैं और इस वजह से हमारे दरिया के बहाव में एकदम इजाफा हो रहा है, और इसी सिलसिले में हमारे जो फसलों में मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़ों का हमला भी बढ़ता जा रहा है। कुछ कीड़े ऐसे हैं जो हम पंजाब से जो सब्ज़ियाँ ले आते हैं उनके जो आके गिलगित बलोचिस्तान के हमारे मकामी सब्ज़ियाँ पे अभी उनका अटैक बढ़ चुका है और हमें इसको कम करने की ज़रूरत है और इसमें मैनेजमेंट की ज़रूरत है। सेकेंडली ये है कि हमारे वहाँ की कुछ इंडिजीनियस जो पेस्ट हम कहते हैं उनकी भी अचानक जो मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पॉपुलेशन में इजाफा हो गया, क्योंकि जब टम्परेचर एकदम बढ़ जाता है किसी एरिया में वहाँ इंसेक्ट्स अपनी पॉपुलेशन से ज़्यादा ले आते हैं, और इसी सिलसिले में इस साल आर्मी वाम और एग्रीकल्चर प्लान ने दिल्ली बलोचिस्तान की तकरीबन तमाम एरियाज़ में खुबानी अखरोट के पत्तों को खाद पारी किया, उसके बाद हमें गंदम के ऊपर इनका अटैक आ गया। ये एक सूरत हाल पिछले चंद सालों से बढ़ती जा रही है। इसकी बहुत सारी और वजूहात थे जिसमें इनके कुदरती जो शिकारी परिंदे या कीड़े था उनका हमारे एग्रो इकोसिस्टम से ख़त्म होना, और इसके अलावा हम घरेलू जो मुर्गियां पालते थे उनका ख़त्म करना, क्योंकि घरेलू जो मुर्गी पालते हैं वो भी एक प्रेडेटर आपके फसलों में आने वाले मुख्तलिफ कीड़ों को का शिकार करती है और उनको ख़त्म कर ले। तो हमें मौसमियाती तब्दीलियों का सामना करने के लिए अभी दुनिया में एक कंसेप्ट आ रहा है, वन हेल्थ कंसेप्ट, जिसमें हेल्दी इन्वायरमेंट, हेल्दी प्लांट्स और हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स, ये तीनों इन्वायरमेंट्स या तीनों कंपोनेंट्स जब हेल्दी होंगे तो फिर वन हेल्थ का कंसेप्ट कंप्लीट होता है। अगर इसमें से ऐसा हो कि अगर हम इन्वायरमेंट को तबाह कर ले,
कभी भी एनिमल हेल्थ या आपके ह्यूमन हेल्थ कभी भी हेल्दी नहीं हो सकती है। हमें इस वन हेल्थ कंसेप्ट को प्रमोट करते हुए हमें तमाम स्टेक होल्डर्स को एजुकेट करने की ज़रूरत है, इनको अवेयरनेस देने की ज़रूरत है, न कि हम जो है ना ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एक दूसरे के कंधों पर डाल दें। हमें हर इंडिविजुअल लेवल पर हमें अपने क्लाइमेट को बेहतरीन बनाने के लिए क्लाइमेट दोस्त एक्टिविटीज़ हमने अपने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में, हमने अपने घरों में और हमने अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपनाने की अशद ज़रूरत है, ताकि हम जो नेचुरल इकोसिस्टम है उसको मेंटेन करने में अपना बेहतरीन रोल प्ले कर सकें।